नमस्कार, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ साग की सब्जी, जो बनाने में आसान और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। बथुआ साग की सब्जी बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वो इस प्रकार है। बथुआ साग को हमने अच्छे तरह से धो लिया है। आलू को छील के काट के अच्छी तरह से धो लिया है। टमाटर को हमने काट लिया है। कुछ साबुत लाल मिर्च, प्याज, साबुत धनिया, पीली सरसों, आप चाहे तो इसमें काली सरसों भी ले सकते हैं, लहसुन की कली, हल्दी, नमक। अब हम एक बाउल में साबुत धनिया, पीली सरसों, लहसुन की कली, साबुत मिर्च, आप मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हम ये प्याज को काट के डालेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा स्मूथली पेस्ट बनके तैयार है। अब हम बथुए साग को रफली काट लेंगे। हरी साग सब्जियों को पहले हम धो लें, उसके बाद ही काटें। काटने के बाद धोने से उसकी विटामिन पानी में घुल के बह जाती है। अब हम बथुआ साग को एक बाउल में डालेंगे। 2 कप बेसन डालेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्राई पैन में तेल डालेंगे और फिर उसमें हम जो बथुआ साग का पेस्ट बनाए थे उसको हम पकौड़े की तरह सेलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कड़ाही में तेल गरम करके कटे हुए आलू को डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल के फ्राई करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और चलाएंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और चलाएंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल के चलाएंगे। हमने जो मसालों का पेस्ट बनाया था उसको हम डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। इस मसाले को हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए पकाना पड़ेगा क्योंकि यह गीला मसाला है। अब हम सब्जी को ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगे
तो समझे कि मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अपने इच्छा अनुसार आप ग्रेवी पतली या मोटी रख सकते हैं। अब हम इसको ढककर धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हम ढक्कन हटाकर एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा आलू ठीक से पका है कि नहीं। अगर हमारा आलू नहीं पका हो तो हम एक बार दोबारा ढक के धीमी आंच पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू के पकने पर फ्राई किए हुए बथुए साग के पकौड़ों को ग्रेवी में डालकर अच्छे से चलाएंगे। फिर ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि बथुआ साग के पकौड़े ग्रेवी को सोख लें। 2 मिनट के बाद देखेंगे तो हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। बथुए साग की सब्जी तैयार है। इसको चावल या रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।